हरे कृष्णा। तो आज हम आपको बताएंगे 10 फैक्ट्स अबाउट लॉर्ड जगन्नाथ एंड जगन्नाथ पुरी। सो प्लीज गेट रेडी फॉर इट। सो नाउ लेट्स स्टार्ट फ्रॉम फैक्ट नंबर 1। तो हमारा फैक्ट नंबर 1 है, भगवान जगन्नाथ एकमात्र ऐसे भगवान है जो अपने मंदिर गर्भगृह अपने घर को छोड़कर सड़क पर आ जाते हैं, क्योंकि भगवान जगन्नाथ जानते हैं आजकल लोगों के पास समय तो है नहीं, तो उसे बोलते हैं मंदिर आए कि जी तो कहते हैं बहुत काम है, इसलिए भगवान जगन्नाथ स्वयं सड़क पर आ जाते हैं अपने भक्तों को दर्शन देने के लिए। Let us know about the second fact. भगवान श्री जगन्नाथ जी ऐसे भगवान हैं जो अपनी बाहें फैलाकर हाथ फैलाकर आपका स्वागत करते हैं। Please come in, hug me. वो आपको हग करना चाहते हैं, गले लगाना चाहते हैं। आपने और भगवान देखे होंगे वो अभय मुद्रा में खड़े हुए तो आपको आशीर्वाद देते हैं, और जगन्नाथ जी आपको अपने पास बुलाना चाहते हैं। Let me give your nice sweet hug. और ऐसे इतने प्रेमी और दयालु हैं जगत के नाथ जगन्नाथ भगवान। Let us know about the third fact. जगन्नाथ जी की आंखें बड़ी बड़ी और लाल लाल हैं। जगन्नाथ जी की आंखें बड़ी इसलिए हैं क्योंकि वे अपने भक्तों के गुणों को छोटे छोटे गुणों को बड़ा करके देखते हैं। जगन्नाथ जी की लाल आंखें क्यों हैं? लाल कृपा का सूचक और दया का सूचक है। जैसे हम किसी गरीब को देखते हैं तो हमें उस पर दया आती है और हमारी थोड़ी सी लाल आंखें हो जाती है। जगन्नाथ जी पतितों का उद्धार करने के लिए और कृपा लुटाने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। Let us know about the fourth fact. हम सभी को सबसे ज्यादा अच्छा क्या लगता है? खाना, पिज्जा, बर्गर, पास्ता। सिमिलरली लॉर्ड जगन्नाथ लव्स टू ईट। जगन्नाथ पुरी में भगवान जगन्नाथ जी भोग खाते ही रहते हैं, खाते ही रहते हैं। ही इज कॉल्ड ईटिंग गॉड। दुनिया में सबसे बड़ी रसोई किसकी है? भगवान जगन्नाथ जी की। भगवान जगन्नाथ जी ने इंद्रदुम्न महाराज जी को एक वरदान दिया था। इंद्रदुम्न महाराज जी ने भगवान जगन्नाथ जी से कहा, मैं आपसे एक वरदान चाहता हूँ। जब भी आप एक भोग खाएं और उस भोग खाने के बाद आप सबसे पहले हाथ वॉश करें और हाथ सुखा लें, उससे पहले आपके सामने एक और भोग लग जाना चाहिए। सो लॉर्ड जगन्नाथ जी इन जगन्नाथ पुरी इज ऑलवेज ईटिंग प्रसाद। अन्न ब्रह्म। भगवान जगन्नाथ जी ने देखा ना तो कोई मेरी सेवा करता है, ना माला करता है, ना कोई नियमों का पालन करता है, लेकिन प्रसाद तो भोजन तो सभी करेंगे। तो भगवान जगन्नाथ जी ने सोचा मैं अन्न में प्रवेश कर जाता हूँ। भगवान जगन्नाथ जी अन्न में प्रवेश कर जाते हैं और अन्न ब्रह्म बन जाते हैं। सो लॉर्ड जगन्नाथ जी इज गिविंग मर्सी थ्रू हिज प्रसादम। लेट अस नो अबाउट द फिफ्थ। पूरे दुनिया में जगन्नाथ जी ऐसे भगवान हैं जिनकी पलकें नहीं हैं ताकि वे अपने भक्तों को 24 घंटे देख सके और उनको निहार सके और अपनी कृपा दृष्टि उनको दे सके। जगन्नाथ जी की पलकें इसलिए नहीं है, जगन्नाथ जी रात के एक एक बजे दर्शन देते हैं और सुबह जल्दी 4 बजे उठ जाते हैं ताकि वे अपने भक्तों को देख सके। लेट अस नो अबाउट सिक्स फैक्ट। अगर आपने बद्रीनाथ धाम की यात्रा कर ली, रामेश्वर धाम की यात्रा कर ली, द्वारिका धाम की भी यात्रा कर ली, लेकिन अगर आपने जगन्नाथपुरी धाम की यात्रा नहीं करी है तो आपको जो आपने 3 धामों की यात्रा करी है उनका फल नहीं मिलेगा। ये मैं नहीं, ये शास्त्र कह रहे हैं, क्योंकि 4 धाम में सर्वश्रेष्ठ है जगन्नाथपुरी धाम, क्योंकि जगन्नाथपुरी धाम ही एक ऐसा धाम है जहाँ भगवान जो है अर्च विग्रह के रूप में विराजमान है, क्योंकि जो बाकी के 3 धाम हैं उनमें भगवान मनुष्य के रूप में आए थे, जैसे बद्रीनाथ में नारायण के रूप में भगवान आए थे और द्वारिका में कृष्ण के रूप में आए थे और रामेश्वर में राम के रूप में आए थे। अगर हम सिर्फ जगन्नाथपुरी धाम की यात्रा कर लेते हैं और बाकी 3 धामों की यात्रा नहीं करते तो जो बाकी 3 धामों का जो यात्रा का फल है वो हमें ऑटोमेटिकली ही मिल जाएगा सिर्फ जगन्नाथपुरी धाम की यात्रा करने से। सातवां फैक्ट। शास्त्र हमें बताते हैं कि जब भगवान सुबह उठते हैं, स्नान करते हैं तथा वह तपस्या में बैठते हैं स्वयं भगवान, तो वह कहाँ जाते हैं? वह श्री बद्रीनाथ धाम जाते हैं। जब भगवान अपने श्रृंगार करते हैं तथा वह राज्य को संभालते हैं तो वह द्वारकापुरी धाम जाते हैं। जब भगवान को विश्राम करना होता है तो वह रामेश्वर धाम जाते हैं। जब भगवान को भोजन करना होता है तो वह श्री जगन्नाथपुरी धाम जाते हैं। इतनी अपार महिमा है श्री जगन्नाथपुरी धाम की। हरे कृष्णा। लेट अस नो अबाउट 8 फैक्ट। शास्त्रों में बताते हैं कि यदि कोई जगन्नाथपुरी में पैदल भी चलता है तो उसको पूरी पृथ्वी के 3 परिक्रमा करने का फल प्राप्त होता है
और लक्ष्मी जी स्वयं यमराज से कहती हैं, क्या कहती हैं कि यदि कोई जगन्नाथपुरी में पैदल चलता है तो उसे भूमंडल के सारे तीर्थ करने का फल प्राप्त होता है। और ये भी बताते हैं कि जगन्नाथपुरी में जो भी सोता है तो उसे मेडिटेशन का, साधना का फल प्राप्त होता है। और यदि कोई जगन्नाथपुरी में कुछ भी बोलता है तो उसे यह वरदान मिलता है कि उसने शास्त्रों के सारे मंत्रों का उच्चारण कर लिया है। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। वी नो अबाउट द फैक्ट नंबर 9 ऑफ जगन्नाथ। जो जगन्नाथ जी है उनके मंदिर के अंदर काफी लोगों को जाने की अनुमति नहीं होती, जैसे मुस्लिम, क्रिश्चियन एंड फॉरेनर्स। तो घबराने की जरूरत नहीं है, जगन्नाथ जी बहुत कृपालु हैं। उनके मंदिर के ऊपर एक चक्र लगा हुआ है जिस चक्र को नील चक्र कहा जाता है। शिव जी के मंदिर की यह पहचान है कि उनके मंदिर के ऊपर एक चक्र लगा हुआ है जिसको त्रिशूल कहा जाता है। और विष्णु जी के मंदिर की यह पहचान है कि उसके ऊपर एक चक्र लगा हुआ है, उसी तरह यह नील चक्र है। यह जो नील चक्र है अष्ट धातुओं से बना हुआ है। अगर आप इसके दर्शन कर लेते हैं, इट इज द सेम इक्विवेलेंट टू टेक लॉर्ड जगन्नाथ दर्शन। श्री चैतन्य महाप्रभु स्वयं जो राधा कृष्ण इकट्ठा हुए थे, वो चैतन्य महाप्रभु जब वो 5 किलोमीटर की दूरी से यह चक्र देखते हैं तो वह डंडे की तरह नीचे गिर जाते हैं, जिसको दंडवत प्रणाम कहा जाता है। वह दंडवत प्रणाम करते हैं इस चक्र को, क्योंकि यह चक्र साक्षात जगन्नाथ जी के समान है। अगर आप जगन्नाथपुरी धाम जाते हैं और आपको अंदर जाने को अलो नहीं करते, घबराने की जरूरत नहीं है, आप इस चक्र को प्रणाम कीजिए। इट इज द सेम टेकिंग टू लॉर्ड जगन्नाथ दर्शन। हरे कृष्णा। फैक्ट नंबर 10। जब भगवान जगन्नाथ जी को भी आराम या रिलैक्स करना होता है तो भगवान जगन्नाथ जी भी आराम या रिलैक्स करने के लिए हॉलीडे या छुट्टियों पर जाते हैं। जैसे हम लोग गोवा, मनाली या स्विट्ज़रलैंड जाते हैं, वैसे ही भगवान पुरी धाम, जगन्नाथ पुरी धाम जाते हैं, जिसको संघ क्षेत्र भी कहते हैं। संघ के आकार में होता है। वहाँ पर भगवान ब्लू माउंटेन के ऊपर नीलांद्री पर्वत जिसको कहते हैं, ठंडी ठंडी हवाएं समुद्र से आती हैं। वहाँ पर भगवान आराम से रिलैक्स करते हैं। वहाँ की दीवारों और वहाँ के ऑटो पर पता है क्या लिखा होता है? जगन्नाथ हिसाब खारिज हो, यानी जगन्नाथ भगवान वहाँ पर सबका हिसाब रखते हैं। वहाँ पर यमराज का कोई काम नहीं। स्कंद पुराण में भी कहते हैं, सत्यम सत्यम पुनः सत्यम सत्यम एतक ध्रुवामिते प्रसादे भगन स्थानम न तज्यामि कदाचन। भगवान जगन्नाथ जी भोलेनाथ जी शिव जी से कहते हैं कि मैं जगन्नाथ धाम को, जगन्नाथपुरी धाम को क्षण मात्र के लिए भी नहीं छोड़ता हूँ। सत्यम सत्यम पुनः सत्यम, यही सत्य है। जय जगन्नाथ, जगन्नाथपुरी धाम की जय। माता जी, ये सब फैक्ट जानने के बाद मेरा जगन्नाथपुरी धाम जाने का बहुत मन कर रहा है, बहुत मन कर रहा है। मैं क्या करूँ? बहुत अच्छा लगा मुझे जानकर। इवन ये 10 फैक्ट बताने का पर्पस यही था कि आपका मन भी करे जगन्नाथपुरी जाने का। सो डिवोटीज, अगर आपका मन भी कर रहा है जगन्नाथपुरी जाने का, अभी सिचुएशन थोड़ी सी नाजुक है, बट जगन्नाथ जी, बलदेव और सुभद्रा महारानी हमें जरूर से जरूर और जल्द से जल्दी जगन्नाथपुरी बुलाएंगे। सो जस्ट कीप प्रेइंग। तो अभी हमें क्या करना है, अभी हम सबको मिलकर एक प्रार्थना करनी है। वो कौन सी है? जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। ओ लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स श्री जगन्नाथ, प्लीज बी द विजन ऑफ माय आई। सो भगवान ने एक और बात कही है कि नाहम वैसामि वैकुंठे योगिनां हृदयेषु वा यत्र गायन्ति मद्भक्ता तत्र तिष्ठामि नारद। ना मैं योगियों के हृदय में वास करता हूँ, ना मैं तुम्हें वैकुंठ में मिलूंगा। जहाँ मेरे पास निरंतर मेरे नामों का गायन और कीर्तन करते हैं, मैं वहाँ सदैव वास करता हूँ। सो जस्ट कीप प्रेइंग। तो अगर आप जगन्नाथ जी को पुकारेंगे, यू आर देयर इन जगन्नाथपुरी। तो जय जगन्नाथ, हरे कृष्णा।